बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस लेक्चर में हम डिटरमिनेंट्स को स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर थ्री है, चैप्टर नंबर थ्री, और इसमें हम टॉपिक्स जो कवर करेंगे, एक माइनर्स, माइनर्स ऑफ एलिमेंट, और कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट और डिटरमिनेंट। अच्छा, सबसे पहले तो हम कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। ये लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ठीक है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम ए है, ठीक है। तो हम इसके पहले माइनर फाइंड करते हैं। माइनर मैट्रिक्स का नहीं होता, माइनर एलिमेंट्स का होता है, ठीक है। जिस तरह के इसके एलिमेंट्स हैं ए वन वन, एक एलिमेंट है, ठीक है, इसका अपना एक माइनर होगा। ए वन टू है, ये एक एलिमेंट है, ठीक है, इसका अपना एक माइनर होगा। ए वन थ्री है, इसी तरह से बाकी सब के भी अपने अपने माइनर्स होंगे, ठीक है। तो माइनर्स हम देखते हैं किस तरह से फाइंड किए जाते हैं। माइनर्स को सबसे पहले तो देखते हैं कि किस से डिनोट किया जाता है। कैपिटल एम जो है, और कैपिटल एम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है माइनर्स को। और किस एलिमेंट का है, मतलब कि अगर वन वन, ए वन वन का अगर माइनर है तो इसके साथ भी वन वन लिखा होगा, ठीक है। अगर ए वन टू का माइनर है तो वो एम वन टू से शो किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बाकी सब, ए अगर ए थ्री थ्री का माइनर है तो वो एम थ्री थ्री से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अच्छा, तो अब माइनर्स फाइंड किए कैसे किए जाते हैं वो हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं फाइंड करता हूँ ए वन वन का माइनर, ठीक है। तो ए वन वन का माइनर इक्वल होगा एम वन वन से, हम डिनोट करेंगे उसको, और वो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, देखें मैं क्या कर रहा हूँ, किसका फाइंड कर रहा हूँ, ए वन वन का माइनर फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिस रो में ये एलिमेंट जिस रो में है, ठीक है, उस पूरी रो को काट दें, ठीक है, और जिस कॉलम में है उस कॉलम को भी काट दें, ठीक है, डिलीट कर दें, मतलब कि, ठीक है, जिस रो में है उस रो, पूरी रो को डिलीट कर दें, और जिस कॉलम में है उस पूरी रो को डिलीट कर दें। तो बाकी जो आपके पास एलिमेंट्स बचते हैं उनका डिटरमिनेंट फाइंड कर लें, तो आपके पास माइनर आ जाता है। लेट्स सपोज ये ए, इस केस में जो है ये बाकी एलिमेंट्स क्या बच रहे हैं, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ठीक है, ये एलिमेंट्स जो है बाकी बच गए हैं आफ्टर डिलीटिंग द रो एंड कॉलम। तो इसका डिटरमिनेंट अगर फाइंड कर लिया जाए तो वो माइनर के इक्वल हो जाता है, उसका माइनर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप फाइंड करना चाहें तो ये इसका डिटरमिनेंट, तो टू क्रॉस टू का डिटरमिनेंट तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं किसके इक्वल आएगा। ए टू टू को मल्टीप्लाई करेंगे ए थ्री थ्री से, ए थ्री थ्री से, ठीक है, और माइनस का साइन, फिर ए टू थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे ए थ्री टू से, तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट आ जाएगा, ठीक है, और ये इक्वल होगा माइनर ऑफ एलिमेंट ए वन वन, सही है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ए टू टू का चले माइनर फाइंड करते हैं। इसको मैं दोबारा से उस पोजीशन पर ले आता हूँ। तो हमने फाइंड करना है, लेट्स सपोज अगर ए टू टू का माइनर हम फाइंड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, किस से डिनोट किया जाएगा, एम टू टू से, ठीक है। ये टू टू जो है वो बता रहा होगा कि किस एलिमेंट का है, मतलब कि इस एलिमेंट का माइनर है। ये इक्वल किसके होगा, इक्वल देखें हम करते हैं कि जिस रो में है ये एलिमेंट,
ठीक है, ए टू टू उस पूरी रो को का डिलीट कर देते हैं। और इसी तरह से जिस कॉलम में है, कौन सा कॉलम में है, इस कॉलम में है, तो इस कॉलम को भी डिलीट कर देते हैं। बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं उसको डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए वन वन है उसको लिख लेते हैं ए वन वन, उसके बाद ए वन थ्री है ठीक है उसको भी लिख लेते हैं ए वन थ्री, और फिर ए थ्री वन है उसको भी लिख लेते हैं ए थ्री वन, और ए थ्री थ्री है उसको भी मैंने लिख लिया ठीक है, उसको डिटर्मिनेंट के अंदर लिख लेते हैं और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। फिर जो चार एलिमेंट्स ये बचे हैं, टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर रहे हैं। अब ए वन वन इन टू ए थ्री थ्री, फिर माइनस का साइन, फिर ए वन थ्री इन टू ए थ्री वन ठीक है, ये इक्वल आएगा माइनर ऑफ एलिमेंट ए टू टू ठीक है। इस तरह से ये माइनर्स फाइंड करते हैं। अच्छा अब हम आते हैं को फैक्टर्स की तरफ, को फैक्टर्स किस तरह से फाइंड किए जाते हैं। देखें आप अगर इन माइनर्स के साथ चलें, जिस तरह से माइनर्स हैं हर एक एलिमेंट के ठीक है, उसी तरह से को फैक्टर्स भी होते हैं ठीक है। को फैक्टर्स हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है, मतलब कि ये ए, इस मैट्रिक्स का नाम ए है ठीक है, तो कैपिटल ए है। अब कैपिटल ए सिंपल जो है वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, पूरे मैट्रिक्स को ठीक है। अगर मैं इस ए के साथ वन वन लिख दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये को फैक्टर है ठीक है, को फैक्टर का नाम है। और ये को फैक्टर किसका है, वन वन शो कर रहा है, इस एलिमेंट का है, ए वन वन का है ठीक है, मतलब कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट पड़ा है उसका ये को फैक्टर है, मतलब इसका को फैक्टर है ठीक है। तो बाकी जो लाइंस हैं वो मैं डिलीट कर देता हूँ ये। अच्छा मतलब कि इस एलिमेंट का को फैक्टर है ये ए वन वन का, और इसी तरह से ए टू थ्री का अगर को फैक्टर मैंने फाइंड करना है तो उसको डिनोट मैं कैसे करूँगा, ए टू थ्री से ठीक है। तो ए वन वन जो है को फैक्टर वो किसके इक्वल होगा, हमने पहले लिखना है माइनस वन, उसकी पावर में क्या आएगा, कौन सी रो है, वन रो वन कॉलम, रो नंबर प्लस कॉलम नंबर, और साथ में मल्टीप्लाई कर दें उसी एलिमेंट का माइनर ठीक है। तो ये इक्वल होता है उस को फैक्टर के। इसी तरह से अगर मैं ए टू थ्री जो है को फैक्टर वो फाइंड करना चाह रहा हूँ, ए टू थ्री किसका को फैक्टर है, ए टू थ्री का, इसका ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा, माइनस वन की पावर, रो नंबर क्या है टू, कॉलम नंबर क्या है थ्री, इसमें ऐड कर दें ठीक है, और साथ मल्टीप्लाई कर दें उसी एलिमेंट का माइनर, मतलब के एम टू थ्री। तो ये हो जाएगा को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ए टू थ्री ठीक है, ये इसका को फैक्टर है और ये वाला इसका को फैक्टर है ठीक है। एरोज मैंने थोड़े, अच्छा ये को फैक्टर इस एलिमेंट का है, ये को फैक्टर इस एलिमेंट का है। इसी तरह से सब एलिमेंट्स के अपने अपने को फैक्टर्स होते हैं ठीक है, तो वो हम फाइंड करना देखते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें हम को फैक्टर्स भी फाइंड करते हैं और माइनर्स भी फाइंड करते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसके एलिमेंट्स हैं वन माइनस टू थ्री और माइनस टू थ्री वन, फोर माइनस थ्री और टू ठीक है। ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए। अच्छा अब इसके हम हमने फाइंड करने हैं को फैक्टर्स और माइनर्स ठीक है, इसके एलिमेंट्स के, तो हम फाइंड करते हैं। चलें एम वन वन, एम वन वन मैं पहले फाइंड कर रहा हूँ ठीक है। एम वन वन क्या है, इसका को फैक्टर है ठीक है, इस एलिमेंट का, मतलब कि जो एलिमेंट
फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट वन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रो नंबर को, और सेकंड वन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम नंबर को, ठीक है। मतलब कि जिस रो नंबर और जिस कॉलम नंबर पे ये एलिमेंट पड़ा है, मतलब कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट पड़ा है उसका माइनर हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने एम वन वन लिखा। वो इक्वल होगा किसके, एम वन वन ए वन वन किधर मौजूद होता है, वो ये एलिमेंट है, ठीक है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट मौजूद है, इसका हमने माइनर फाइंड करना है। तो किस तरह से कि उस रो को डिलीट कर दें जिस रो में ये मौजूद है, ठीक है, और उस कॉलम को डिलीट कर दें, तो हमारे पास बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं उसका डिटर्मिनेंट ले लें। मतलब कि बाकी एलिमेंट्स कौन कौन से बचे हैं, थ्री है, वन है, माइनस थ्री है, टू है, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ये बनेगा सिक्स, थ्री टू सिक्स प्लस थ्री वन थ्री इज इक्वल टू नाइन, ठीक है। तो एम वन वन की वैल्यू आई है इज इक्वल टू नाइन, ठीक है। तो ये माइनर है किसका, एलिमेंट नंबर वन का, माइनर ऑफ ए वन वन। ए वन वन मतलब के फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। ए वन वन इज इक्वल टू वन है इस केस में ये। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि टू टू का ए वन टू उसका माइनर फाइंड करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे एम वन टू से, ठीक है। तो जो कि माइनर है, माइनर ऑफ ए वन टू, और ए वन टू जो है वो इक्वल है माइनस टू के, जो कि ये है, ठीक है, पहली रो में और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है ये है, तो उसका हम माइनर फाइंड कर रहे हैं। इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इस एलिमेंट, ये जो एलिमेंट जिस रो में है उसको डिलीट करना है और जिस कॉलम में है उसको डिलीट करना है, बाकी जो एलिमेंट्स बच जाते हैं उनका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। मतलब कि माइनस टू ये वाला, ठीक है, वन और साथ में फोर है, फिर टू है, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। तो ये बनेगा माइनस फोर प्लस माइनस फोर माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस एट, ठीक है। तो इसके माइनर की वैल्यू आई है माइनस एट, तो ये इसका हमने माइनर फाइंड किया। इसी तरह से हम एक और माइनर फाइंड कर लेते हैं, एक और कौन सा माइनर फाइंड करते हैं, इस फोर का, ठीक है, इस फोर का हम, तो इस फोर की पोजीशन क्या है, थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है, फर्स्ट कॉलम में है और थर्ड रो में है, मतलब के इसको हम कह सकते हैं एलिमेंट है और थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम ए थ्री वन, ठीक है। तो इसका माइनर क्या होगा, एम थ्री वन, एम थ्री वन माइनर ऑफ एम ए थ्री वन, और ए थ्री वन इस केस में क्या है, फोर इज इक्वल टू फोर है, ठीक है। तो इसका माइनर हम फाइंड करते हैं, पहले तो हम देखेंगे एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो इसके कॉलम को और इसकी रो को डिलीट किया, ठीक है, बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं उसको हम डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं, मतलब कि माइनस टू थ्री थ्री वन, तो ये हमारे पास आ गया इसका माइनर। अच्छा, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, माइनस टू माइनस नाइन इज इक्वल टू माइनस इलेवन, तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास माइनर की, जो कि ए थ्री वन इस एलिमेंट की है, ठीक है। इस एलिमेंट का माइनर फाइंड किया जिसकी वैल्यू आई है माइनस इलेवन। इसी तरह से बाहर एक जो है हम एलिमेंट का माइनर फाइंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं कोफैक्टर की तरफ, इन्हीं का कोफैक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो
कोफैक्टर के लिए हम यूज़ करेंगे M11 जो है माइनर, इसका हमने फाइंड किया था तो हम इसी का कोफैक्टर भी फाइंड करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल A11 से। ठीक है, कैपिटल A11 जो है वो इस एलिमेंट का है कोफैक्टर है। ठीक है, क्योंकि 11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अच्छा, कोफैक्टर जैसा कि मैंने पहले बताया किसके इक्वल होता है, -1 की पावर, रो नंबर क्या है 1, कॉलम नंबर भी 1। ठीक है, और साथ हमने मल्टीप्लाई करना है m उसी एलिमेंट के माइनर को। ठीक है, तो ये बनता है -1 की पावर 2, -1 की पावर 2, और साथ में माइनर की वैल्यू क्या है 9, पहले जो हम निकाल चुके हैं। तो ये -1 का स्क्वायर लिया जाए तो +1 हो जाएगा। ठीक है, +1 × 9 = 9, मतलब के उसके माइनर की वैल्यू भी 9 थी। ठीक है, इसमें को फैक्टर की वैल्यू भी 9 आई है इस एलिमेंट के, इस एलिमेंट का हमने को फैक्टर फाइंड किया जिसकी वैल्यू आई है 9। ठीक है, किस तरह से फाइंड किया, माइनर उसके माइनर के साथ हमने -1 की पावर में जो है रो नंबर प्लस कॉलम नंबर को जो है उसको इवेल्युएट करके फिर माइनर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास उसका को फैक्टर आ गया। इसी तरह से बाकियों के भी को फैक्टर्स निकाल लेते हैं, A12 निकालते हैं। ठीक है, M12 हमने सेकंड वन निकाला था ना, A12 अब निकालते हैं उसका को फैक्टर। 1 2 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, कौन सा एलिमेंट बनता है, फर्स्ट रो ये है, सेकंड कॉलम ये है। ठीक है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में एलिमेंट ये पड़ा हुआ है, तो इसका हमने को फैक्टर फाइंड करना है, तो वो किसके इक्वल आएगा, -1 की पावर फर्स्ट रो थी, ठीक है, रो नंबर 1, और कॉलम नंबर क्या है 2, 1 + 2 हो गया, और साथ में हमने मल्टीप्लाई करना है उसी का माइनर, मतलब कि M12, M12 की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं जो कि 8 है। ठीक है, बल्कि -8 है। ठीक है, तो इसमें पुट कर देते हैं, -1 की पावर 3, ठीक है, 1 + 2 = 3 इंटू M12, M12 क्या है -8, वो भी पुट कर देते हैं, -8 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 जो है वो नेगेटिव रहेगा फिर। ठीक है, -1 ही रहेगा और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है -8, तो ये बन जाएगा +8। ठीक है, इसके को फैक्टर की वैल्यू क्या आई, +8। अच्छा, तो एक और को फैक्टर हम फाइंड कर लेते हैं जिसका हम माइनर फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, A31 हम फाइंड कर लेते हैं, A31 इक्वल होगा -1 की पावर रो नंबर 3 है और कॉलम नंबर 1 है, और साथ में मल्टीप्लाई हम करेंगे इसी एलिमेंट के माइनर के की वैल्यू को M31 को। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वल आएगा -1 की पावर 4 इंटू M31 की वैल्यू क्या है जो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, -11, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं -11, तो -1 की पावर जब भी जो है इवन नंबर आएगी तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो 1 हो जाएगा इंटू -11 इज इक्वल टू -11। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -11 जो है वो को फैक्टर की वैल्यू आई है किस एलिमेंट के, A31। A31 कहाँ पर मौजूद है, A31 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट है। ठीक है, इन एलिमेंट्स के हमने माइनर्स भी निकाले और को फैक्टर्स भी निकाले हैं। ठीक है, तो माइनर्स और को फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट तो अब समझ आ गया होगा किस तरह से फाइंड किया जाता है। अब हम आते हैं डिटर्मिनेंट की तरफ, डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड किया जाता है, तो डिटर्मिनेंट देखें एग्जाम्पल से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यही ले लेते हैं मैट्रिक्स एक 3×3 का, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 - 2 - 3 - 2 - 3 - 1 - 4 - 3 - 2।
ठीक है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। तो हम पहले तो उसके लिए साइन लगाते हैं डिटर्मिनेंट का, 1 - 2 - 3 - 2 - 3 - 1 - 4 - 3 और 2, ठीक है, ये है डिटर्मिनेंट का, साइन लगा दिया हमने। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट उसी तरह से है कि हमने पहले लिखना है एलिमेंट, ठीक है, किसी, अच्छा डिटर्मिनेंट 2x2 का अभी तक हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं कि 2x2 से ज़्यादा, मतलब 3, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4 या ऑर्डर 5, किसी का भी आप मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। अभी हम ऑर्डर 3 का फाइंड करें, मतलब 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, ठीक है। तो इसमें हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम के थ्रू डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं फर्स्ट रो के थ्रू जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक 1 है, ठीक है, और कौन से एलिमेंट्स हैं, एक -2 है और 3 है, ठीक है, ये मैंने लिख लिए एलिमेंट्स फर्स्ट रो के। अच्छा, अब इनके साथ मल्टीप्लाई क्या करना है, इनके कोफैक्टर्स, ठीक है, मतलब कि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका कोफैक्टर मतलब a11, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसका कोफैक्टर, तो ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब कि 1 2, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसका कोफैक्टर, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये बनेगा a13, और इनको ऐड कर लिया जाए आपस में तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाता है उस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो या तो इस किसी एक रो से, मैंने तो फर्स्ट रो से किया, आप सेकंड रो से भी फाइंड कर सकते हैं, थर्ड रो से भी फाइंड कर सकते हैं, तो कॉलम से भी फाइंड कर सकते हैं, किसी भी कॉलम से। तो मैं लेट्स सपोज सेकंड कॉलम से अगर करता हूँ, तो सेकंड कॉलम के थ्रू क्या रिजल्ट्स आएंगे, सेम रिजल्ट्स तो सेम आएंगे, तो हम फाइंड कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक -2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद -3 है, ठीक है। तो इसके कोफैक्टर्स क्या हैं, -2 कहाँ पर मौजूद है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब के a12, ठीक है, और साथ में प्लस आ जाएगा, फिर इनटू, अब 3 कहाँ पर मौजूद है, यहाँ से मैंने लिया था ना, सेकंड कॉलम से मैं इवेल्युएट कर रहा हूँ, तो इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड रो में है और सेकंड ही कॉलम है, मतलब कि 2 2, a22, और इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये -3 ये वाला है, ठीक है। तो इसमें ये इसकी पोजीशन क्या है, थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है, मतलब कि 3 2, a32। अच्छा, अब ये डिटर्मिनेंट आप किसी भी, मैंने तरीका बताना था कि किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट रो से भी कर सकते हैं, फर्स्ट फर्स्ट कॉलम से भी, सेकंड रो या सेकंड कॉलम, थर्ड रो या थर्ड कॉलम, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से भी इवेल्यूएट कर सकते हैं इसको, डिटर्मिनेंट को, ठीक है। तो हम करते हैं कि फर्स्ट रो से ही जो है ना कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो इस केस में क्या बनेगा कि a11, पहले तो a11, a12 और a13 की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, वो हम फाइंड करते हैं। a11 फाइंड करने के लिए, a11 हमने फाइंड किया था, ठीक है, इस रो को और इस इसको डिलीट कर देते हैं, इस कॉलम और इस रो को डिलीट करें, तो ये हमारे पास बनता है 3 1 - 3 2, ये माइनर बन गया, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर दें -1 की पावर 1 + 1, तो ये कोफैक्टर बन जाता है, ठीक है, a11, तो ये इक्वल आएगा -1 की पावर 2, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और +3 इज़ इक्वल टू 9,
ठीक है, ए वन वन की वैल्यू आ गई 9। इसी तरह से हम ए वन टू फाइंड कर लेते हैं, ए वन टू इज़ इक्वल टू, उसके लिए हमें कौन सी रो डिलीट करनी पड़ेगी, ए वन टू ये एलिमेंट है ठीक है, ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दिया, तो हमारे पास क्या बना, माइनस टू वन फोर टू ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है, और साथ में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस वन की पावर वन प्लस टू, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम इज इक्वल टू माइनस वन की पावर थ्री इंटू माइनस फोर, माइनस फोर इज इक्वल टू पॉजिटिव एट ठीक है। ए वन टू को फैक्टर की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, ए वन थ्री आप फाइंड कर लेते हैं, ए वन थ्री इज इक्वल टू माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री इन टू, डिटर्मिनेंट किसका आएगा, जिस रो में और जिस कॉलम में वो पड़ा है उसको डिलीट कर देते हैं, तो किसका वन थ्री, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम ये है ठीक है, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट, बाकी ये एलिमेंट्स बचे माइनस टू थ्री फोर माइनस थ्री ठीक है। तो इसका अब हम कोवेक्टर फाइंड कर लेते हैं, माइनस वन की पावर फोर और साथ में सिक्स माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू क्या बनेगा, सिक्स माइनस ट्वेल्व इज माइनस सिक्स ठीक है। ये को फैक्टर्स की वैल्यूज आ गई, अब हम इसमें पुट कर देते हैं ठीक है, तो इसी में पुट करते हैं, वन इन टू ए वन वन की वैल्यू क्या है नाइन, प्लस माइनस टू इन टू ए वन टू की वैल्यू क्या है एट, प्लस थ्री इन टू ए वन थ्री की वैल्यू क्या है ए वन थ्री की माइनस सिक्स। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, नाइन प्लस नाइन माइनस एटीन क्या है नाइन माइनस सिक्सटीन माइनस एटीन, तो इसका क्या रिज़ल्ट बनता है, तो इसका रिज़ल्ट बनता है इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फाइव ठीक है। तो माइनस ट्वेंटी फाइव इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर चुके हैं, जिसका रिज़ल्ट आया है माइनस ट्वेंटी फाइव, और इस तरह से डिटर्मिनेंट आप फाइंड कर सकते हैं ठीक है, तो थ्री क्रॉस थ्री का भी, फोर क्रॉस फोर का भी। तो आगे हम इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा ठीक है, माइनर्स को फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स, अगले लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म होता है।